Assalamu alaikum. Today I'm going to share my interview experience of FTEEST 2024 for English subject. So aisa hai ke meri timing 8 o'clock ki thi, to main exact time pe pahunch gayi thi center F62 jo hai IMCG F62 center jo hai wo mera bana tha is dafa. Aur उसी तरह जिस तरह ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है इनका कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्टेड चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स. एक हमें रूम में बिठाया जहाँ पे काफ़ी देर कम से कम 2-2.5 घंटे से उन्होंने डॉक्यूमेंट चेकिंग में लगा दिए और डॉक्यूमेंट्स दो टीचर्स ने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, प्रॉपर आपका एक्सपीरियंस देखा एंड देन दे वर नोटिंग डाउन एज वेल कि आपका कितना एक्सपीरियंस है और आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है और अगर किसी ने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस की नहीं है तो उसको मतलब कि वो अप्रिशिएट भी कर रहे थे ना कि मतलब ये चीज़ काफ़ी काउंट करती है. और इसके अलावा उसके बाद उसी तरह वन बाय वन करके वो बुला रहे थे इंटरव्यू के लिए. तो तकरीबन मेरी जो टर्न है वो 11:30 तक आई थी. ऑल्दो मैं सुबह 8 o'clock ही गई थी और वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकिंग और इस सब में मतलब काफ़ी टाइम लग गया था. तो बस टर्न आते ही उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और उसके बाद दे स्टार्टेड यू नो विद इंट्रोडक्शन के इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. देन आई स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ एंड देन उसी में से उन्होंने क्वेश्चंस आगे निकाल लिए. मतलब कि दे वर जस्ट पिकिंग योर वर्ड्स एंड दे वर मेकिंग क्वेश्चंस आउट ऑफ देम. जैसे मैंने बताया कि मैं रूट्स इंटरनेशनल में पढ़ा रही हूँ, सो दे सेट कि ओके रूट्स में आप कौन सा नॉवल पढ़ा रही हैं और फिर उसी तरह वो ना मतलब कि रूट्स स्कूल से आते आते वो मेरे सब्जेक्ट पे आ गए कि कौन सा नॉवल पढ़ा रही हैं वहाँ पे. फिर मैंने बताया कि मैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पढ़ा रही हूँ बाय चार्ल्स डिकन्स. फिर मतलब पैनल में टोटल 5-6 लोग थे और दे वर मोस्टली मेल मेम्बर्स, ओनली वन फीमेल वॉज देयर. और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप बताएं कि 18th सेंचुरी का जो बैकग्राउंड है वो क्या था, तो ये जो नॉवल है वो किस बैकग्राउंड पे लिखा गया है. तो देन आई आंसर्ड दैट इजीली क्योंकि ये सब मैं प्रिपेयर करके गई हुई थी ऑलरेडी. लेकिन खैर उन्होंने एज सच मतलब उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं किए, उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन में से ही क्वेश्चंस बनाए. तो रिमेंबर कि जो आप बोल रहे हो ना वो आप ऐसा मतलब आप कोई ऐसी बात करो उनके साथ कि अगर वो उसमें से क्वेश्चंस बनाए भी सी ना तो यू आर इन अफ एबल टू आंसर दैट. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या बोल रहे हो. तो अपना इंट्रोडक्शन भी आप ऐसा प्रिपेयर करो ना कि उसमें से भी अगर वो कोई कीवर्ड निकालते हैं और उसमें से क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मैंने इसका क्या जवाब देना है. अच्छा ये बात हो गई. दूसरी बात ये है कि मतलब उन्होंने ये वाला मुझसे क्वेश्चंस किए सारे. उसके बाद उन्होंने मुझसे डेमो भी लिया. उन्होंने देयर वाज अ वाइट बोर्ड अलोंग विद अ मार्कर एंड डस्टर. उन्होंने मुझे कहा कि मतलब उन्होंने जो क्वेश्चंस मुझसे किए थे उसके मैंने सारों के ठीक आंसर दिए थे. फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप ना पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक डेमो देते हैं हम लोगों को, मतलब 2-3 मिनट्स का. तो फिर मैंने वो देना स्टार्ट किया. तो मतलब डेमो के बीच में भी डेफिनेटली दे वर बिहेविंग लाइक स्टूडेंट्स, बट फिर भी वो एज अ टीचर ही है ना, तो वो मतलब बीच में मुझे काफ़ी कंफ्यूज भी कर रहे थे, डेविएट भी कर रहे थे, टॉपिक से हटा भी रहे थे. बट ये कि मतलब ट्राई आपने ये करनी होती है कि डेफिनेटली बीइंग अ टीचर आप अथॉरिटेटिव रोल होता है आपको उस वक्त, सो यू आर अथॉरिटी एंड यू नीड टू बिहेव लाइक अ टीचर एंड यू नीड टू मेक देम एक्ट लाइक अ स्टूडेंट्स. सो बस ये था. इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है थैंक यू, आई मीन यू आर ओवर सो यू कैन गो. उसके बाद बस मैं रूम से मैंने लीव कर लिया. लेकिन मैंने उनसे एक बात कही जाते हुए और वो ये थी कि मैंने कहा कि सर लाइक आई डोंट नो अबाउट माय परफॉर्मेंस बट लाइक आई ट्राइड माय बेस्ट एंड इट्स माय थर्ड टाइम दैट आई एम अपेयरिंग बिफोर यू ऑल. मतलब ये मेरा थर्ड टाइम अटैम्प्ट है कि मैं FDEEST का टेस्ट दे रही हूँ और मैं इंटरव्यू तक आ रही हूँ. तो काइंडली आप मुझे कंसीडर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि डेफिनेटली इंसान इतना मेहनत करके इस स्टेज तक आता है, फिर वो जब यहाँ से वापस दोबारा जाता है तो बहुत दुख होता है. और ये है कि इस दफ़ा मार्क्स भी मेरे बेहतर हैं अकॉर्डिंग टू द डोमिसाइल एंड मेरिट. तो लाइक उन्होंने कहा कि गुड लक ना, एंड देन उन्होंने ये मतलब कुछ भी मुझे नहीं कहा. बस दे सेट कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि जितनी आप क्वालिफाइड हैं, जितना आपके पास एक्सपीरियंस है, उतने ही मतलब और भी ज़्यादा लोग हैं ना, मतलब देर इज़ नॉट ओनली वन और टू, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास
पास क्वालिफिकेशन हैं आजकल और दे ऑल आर होल्डिंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो मतलब आप हम ये नहीं कह सकते कि कोई किसी से बेहतर है, मतलब ऑल आर यू नो सो मच क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड. तो उन्होंने कहा कि होप फॉर द बेस्ट बट हम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते. सो इट्स ऑल अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस और दैट्स ऑल.